हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो फिलहाल हमें 280 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 100 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस स्टॉक ने पिछले 1 मंथ में 55% से अबव का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और पिछले 1 साल में 100% से एबव का हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी इसमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा फ्यूचर में भी। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखने के कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ स्वान एनर्जी लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 3% के आसपास का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा शो किया है। पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 55% के आसपास का जबरदस्त तरीके से हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ में तो इस स्टॉक ने 111% से एबव का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का तो यहाँ पे 100% से एबव का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों पिछले हफ्ते भी हमने इस स्टॉक के ऊपर बीटी बढ़ाकर डिस्कस किया था। दोस्तों अगर इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और देख सकते हो पिछले 1 साल में किस तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का, तो ये भी अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में इसका प्राइस 500 के क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों बात करें यहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिला, तो यहाँ पे देख सकते हो जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक में हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 50% के आसपास का डिलीवरी का पोजीशन है, जो कि अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली हमें 113 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, जो कि यहाँ से हमें 300 के आसपास का हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इसका फेस वैल्यू का तो हमें 1 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी शो किया था। हालांकि बात करें इस स्टॉक में दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 64% से एबव का होल्डिंग है, जो कि एक फिगर अपने आप में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे 16% से एबव का हमें प्रमोटर का शेयर प्लेस देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हो यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग की बात करें तो हमें सिमिलर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो कोई खास डेप्ट है नहीं। हालांकि बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है। हालांकि बात करें फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक हमें काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर यानी कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 7380 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि बात करेंगे सेक्टर के पीरिशो का, तो यहाँ पे 34.82 देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का पीरिशो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है दोस्तों। हालांकि बात करें इसका रेवेन्यू का रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रेवेन्यू ग्राफ भी देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में हमें काफ़ी अच्छा खासा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो दोस्तों यहाँ पे हमें नेगेटिव फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना सेल्स शो किया है, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का जिस तरीके से हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है, ये भी फिगर अपने आप में हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई क्या होल्डिंग है, डीआई क्या होल्डिंग है, उससे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का। तो यहाँ पे भी हमें 64% से एफआई का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे एफआई का होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 8.5% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें डीआई का होल्डिंग का, तो यहाँ पे ये भी फिगर अपने आप में काफी अच्छा खासा है। दोस्तों हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, तो ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डर पैटर्न भी हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, आप लोग स्क्रीन पर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 240 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।